जय दोस्तों धन्यवाद। जवान को जितना बड़ा किया जा सकता है उतना ज़्यादा बड़ा किए जाने की इस समय कोशिश की जा रही है शाहरुख खान एंड टीम की तरफ से, और जाहिर सी बात है कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही। और अगर सब चीज़ें सही जाती हैं, जवान और डंकी दो मूवीज अभी भी शाहरुख खान की इसी साल रिलीज होने वाली, अगर सभी चीज़ें सही जाती हैं तो ऑब्वियस सी बात है इस साल में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एक्टर बन सकते हैं शाहरुख खान, या यूं कहें उनकी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मूवीज़ बन सकती हैं। दरअसल इस समय बॉलीवुड के बादशाह कहे जाने वाले शाहरुख खान इन दिनों काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में। वजह है उनकी आने वाली फिल्म जवान, जो कि 7 सितंबर को पैन इंडिया रिलीज होने वाली है। इस साल की शुरुआत में ही फिल्म पठान के जरिए बॉक्स ऑफिस पर बम्पर कलेक्शन करने वाले शाहरुख को जवान से काफ़ी उम्मीदें। उन्होंने इस फिल्म को पूरी तरह से पैन इंडिया डिज़ाइन किया है ताकि साउथ बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छी खासी कमाई करी जा सके। जवान के जरिए वो अपनी फिल्म पठान का भी रिकॉर्ड तोड़ना चाह रहे हैं। तभी तो इस फिल्म को साउथ में लोकप्रियता बढ़ाने के लिए वहाँ की फिल्मों के सुपरस्टार्स को भी कास्ट किया गया है। विजय सेतुपति, नयनतारा, प्रियमणि, एटली सभी का नाम प्रमुख है। मतलब आप खुद समझिए, सुपरस्टार थलपति विजय भी फिल्म में कैमियो रोल करते हुए नजर आ सकते हैं। फिल्म का डायरेक्शन साउथ के मशहूर निर्देशक एटली के जिम्मे था। शाहरुख की ये फिल्म 7 सितंबर को थिएटर्स में दस्तक देने वाली है। ऐसे में फिल्म की एडवांस बुकिंग अब विदेशों के बाद इंडिया में भी शुरू हो चुकी है, जिसे लोगों का जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है। कुछ ही देर में फिल्म की सारी टिकटें बिक गई। मतलब कि बताया जा रहा है कि मात्र 15 मिनट में सब कुछ खत्म। सेकिल की रिपोर्ट के अनुसार फिल्म ने पहले ही अमेरिका में एडवांस बुकिंग से 25 करोड़ रुपए की शानदार कमाई कर ली। फिल्म की एडवांस बुकिंग जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया में भी शुरू कर दी गई। वहीं इंडिया में अभी मुंबई की कुछ जगहों पर एडवांस बुकिंग खोल दी गई, जिनको बुक करने में फैंस ने जरा भी देरी नहीं लगाई। हैरान कर देने वाली बात यह है कि शाहरुख का क्रेज फैंस में इस कदर है कि ठाणे में लोगों ने 1100 रुपए तक की टिकटें खरीदी। बता दें कि ये 15 मिनट में ही फिल्म का शो हाउसफुल हो गया। जवान का भव्य बनाने के लिए हर संभव कोशिश में जुटे इस समय रेड चिलीज वाले एक्शन सीक्वेंस को शूट करने में पानी की तरह पैसा बहा चुके हैं। इसे शाहरुख के करियर की सबसे महंगी फिल्म भी बताया जा रहा है, जिसका कि बजट 300 करोड़ रुपए है, जबकि पठान के बजट की बात करें तो वो 250 करोड़ के आसपास था। एक्शन सीक्वेंस के साथ साथ डांस नंबर्स पर भी खासा ध्यान रखा गया है। फिल्म के प्रमुख गाने जिंदा बंदा में शाहरुख खान के साथ 1000 से भी ज़्यादा डांसरों ने डांस किया है। इस गाने को साउथ के मशहूर कंपोजर अनिरुद्ध ने कंपोज किया है। कोरियोग्राफी भी साउथ के कोरियोग्राफर शोबी ने कसर करवाई गई। इसे 3 अलग अलग भाषाओं में तैयार करवाया गया है। बताया जा रहा है कि इस गाने पर 15 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा खर्चा किया गया है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि पठान अप्रत्याशित रूप से सफलता के लिए तैयार बैठी, और शाहरुख खान जवान के जरिए एक नई लकीर भी खींचने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल फिल्म जवान के रिलीज में 10 दिन से भी कम का समय बचा हुआ है। ऐसे में फिल्म के पक्ष में माहौल बनाने के लिए शाहरुख खान कई बड़े इवेंट्स आयोजित करने जा रहे हैं। पहला इवेंट 30 अगस्त को चेन्नई में आयोजित किया जाएगा। इस दिन फिल्म का दूसरा और ट्रेलर लॉन्च किया जा सकता है। इसके बाद शाहरुख दुबई जाएंगे, वहां 31 अगस्त को रात 9 बजे बुर्ज खलीफा पर ट्रेलर दिखाया जाएगा। इसका ऐलान करते हुए शाहरुख खान ने लिखा था कि जवान का जश्न मैं आपके साथ ना मनाऊं ये हो ही नहीं सकता। आ रहा हूं बुर्ज खलीफा पर 31 अगस्त को रात 9 बजे, आप सभी मेरे साथ जवान का जश्न मनाइए, क्योंकि प्यार दुनिया का सबसे खूबसूरत एहसास है, तो प्यार के रंग में रंग जाइए। क्या कहते हैं, तैयार? दुबई और शाहरुख खान का रिश्ता वैसे भी बहुत मजबूत माना जाता है। उनके जन्मदिन पर कई बार बुर्ज खलीफा की इमारत को रोशन करके उन्हें बधाई तक दी जाती है। 22 दिसंबर को शाहरुख खान की अगली फिल्म डंकी रिलीज होने वाली। इस फिल्म को मुन्ना भाई, MBBS, 3 Idiots, PK और संजू जैसे ब्लॉकबस्टर फिल्में देने वाले राजकुमार हिरानी निर्देशित कर रहे हैं। उनके ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए कहा जा सकता है कि डंकी भी बॉक्स ऑफिस पर सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित कर सकती है। शाहरुख खान और राजकुमार हिरानी का कॉकटेल बॉक्स ऑफिस पर कहर बरपा सकता है। फिल्म की शूटिंग के वक्त दोनों के बीच जिस तरह की केमिस्ट्री नजर आई है, उसे देखकर कहा जा सकता है कि फिल्म अच्छी बन पाई होगी। हिरानी शाहरुख से बहुत खुश हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि डंकी एक हाई परफॉर्मेंस फिल्म, इसमें बहुत सारे मोनोलॉग और लंबे सीन्स हैं, लेकिन शाहरुख ने पूरी स्क्रिप्ट याद कर ली और उनके साथ काम करना एक शानदार अनुभव भी रहा। काश मैंने पहले ही उनके साथ काम कर लिया होता। जवान और डंकी अभी रिलीज होनी बाकी, लेकिन इससे पहले ही इन फिल्मों ने 500 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की कमाई कर ली। फिल्म पठान की शानदार सफलता की वजह से इन दोनों फिल्मों के सैटेलाइट, डिजिटल और म्यूजिक राइट्स करोड़ों रुपए बिके। एक रिपोर्ट के मुताबिक वेरिट प्लेयर ने जवान के एक राइट्स करीब 250 करोड़ रुपए में, तो वहीं डंकी के राइट्स 230 करोड़ रुपए में खरीदे। जवान पैन इंडिया हिंदी के साथ तमिल और तेलुगु में भी रिलीज हो रही, इसलिए इसे ज़्यादा कीमत मिली। इसके साथ ही डंकी और OTT राइट्स जियो सिनेमा ने 155 करोड़ रुपए में खरीदे। इतना ही नहीं, फिल्म क्रिटिक की माने तो दोनों फिल्मों की ओपनिंग भी शानदार रहने वाली।
अनुमान के मुताबिक दोनों की ओपनिंग डे कलेक्शन 55 से 60 करोड़ रुपए रहने वाला है। फिल्म जवान के लिए एडवांस बुकिंग शुरू कर दी गई है, जिसमें कि काफी ज्यादा एक्साइटेड आंकड़े देखने के लिए मिल रहे हैं। शाहरुख खान का करियर साल 2017 के बाद से ही डगमगा रहा था, लेकिन पठान से उनकी जो ब्लॉकबस्टर वापसी हुई है उसने सीधे तौर पर चेन्नई एक्सप्रेस के बाद में 10 साल बाद उनको हिट दी। इस दौरान 7 फिल्में रिलीज हुई, जिनमें दो हिट, दो सेमी हिट और 3 फ्लॉप रही। उनकी आखिरी फ्लॉप फिल्म जीरो साल 2018 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म की असफलता ने शाहरुख के करियर पर एक तरह से लगाम लगा दी थी। वो लगभग बेरोजगार हो गए, उनके पास कोई फिल्म नहीं बची और इसी बीच कोरोना भी आ गया। इस तरह शाहरुख 4 सालों तक घर पर बैठे, लेकिन इस दौरान हार मानने की बजाय सफलता पाने के सभी प्रयास करते रहे। उनके फेवरेट यशराज फिल्म्स के बैनर तले बनी फिल्म पठान ने उन्हें वापस जीरो से हीरो बना दिया। आने वाली दोनों फिल्मों जवान और डंकी के रिलीज के बाद उनका करियर ग्राफ इससे भी ज्यादा ऊपर जाने वाला है। शाहरुख इस साल सफलता के सोपन भर रहे होंगे। सीधी सी बात है, पठान 2023 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म। इसने वर्ल्ड वाइड 1050 करोड़ रुपए कलेक्शन किया था और इसे 8000 स्क्रीन के ऊपर 100 देशों में रिलीज किया गया था। फिल्म के हिंदी वर्जन का ओपनिंग डे कलेक्शन 55 करोड़ रुपए रहा था, जबकि वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 106 करोड़ रुपए था, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड। इससे पहले इंडियन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म KGF 2 53 करोड़ रुपए, वॉर 51 करोड़ रुपए, टॉक्स ऑफ हिंदुस्तान 50 करोड़ का कलेक्शन कर चुकी है। पठान के नाम पर का यह अहम रिकॉर्ड है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जवान किन किन रिकॉर्ड्स को तोड़वाती है या नहीं। इतना ही नहीं, पठान की वजह से कश्मीर घाटी के सिनेमाघरों में 32 साल बाद हाउसफुल रिपोर्ट टंगी थी। कश्मीर घाटी के लोग फिल्म की तारीफ करते थक नहीं रहे। इसके साथ ही सबसे तेजी से 100 करोड़, 150 करोड़ और 200 करोड़ रुपए कमाने वाली फिल्म में भी इसी फिल्म के नाम बना था। शाहरुख खान ने साल 1992 में फिल्म दीवाना से अपने करियर की शुरुआत करी थी। इसके बाद से अब तक उन्होंने करीब 95 फिल्मों में काम किया है और 65 फिल्मों में लीड रोल में रहे। बाकी फिल्मों में उनका कोई ना कोई कैमियो रोल रहा है और इन 65 में से 12 फिल्में ब्लॉकबस्टर या सुपरहिट रही हैं, 20 सेमी हिट रही हैं, 9 फिल्में एवरेज रही हैं और 24 फिल्में बुरी तरह से फ्लॉप रही हैं। उनकी फिल्मों का कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 3048 करोड़ रुपए रहा है। उनके पूरे करियर में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म पठान है। बॉक्स ऑफिस पर कमाई के मामले में दूसरे स्थान पर चेन्नई एक्सप्रेस है, जिसने 422 करोड़ रुपए कमाए थे और इंडिया में 227 करोड़ रुपए। तीसरे नंबर पर हैप्पी न्यू ईयर है, जिसने कि दुनिया भर में 399 करोड़ रुपए कमाए थे और भारत में 200 करोड़ रुपए। चौथे पर दिलवाले है और पांचवे नंबर पर रईस। जाहिर सी बात है, इस समय शाहरुख खान की इस मूवी से काफी उम्मीदें हैं जवान से और इसको बड़ा बनाने में कोई भी कोर कसर छोड़ी नहीं जा रही। क्या कहना है आपका इस बारे में, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो पर आता ही जाएंगे। जय हिंद।